हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्विद इंग्लिश, संध्या सिंह। ठीक है, आज नाउ टुडे वी आर डूइंग अ ग्रामर चैप्टर दिस दैट दी डोंट। हम किसके बारे में पढ़ेंगे यार? दिस दैट दी डोंट, इसका कोई कंफ्यूजन हो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर दिस, वेयर टू पुट द दिस दैट दी डोंट, आप कहाँ पर पुट करेंगे, ये आपको क्लियर क्या करना है, फोकस करना है। आई लुक एट दिस, दिस मीन्स होता है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड है ये। दिस यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर के लिए, यानी कि वन के लिए, यानी कि सिंगल वन के लिए। और विद थिंग्स, जो हमारी चीजें हैं वो नियर हो, है ना, जो थिंग्स आपके पास में हो, सिंगुलर हो, यानी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपके नियर है। ओके, थिंग्स आर नियर, जो आपके नियर हो यानी कि पास है, बट एक है, लेकिन जो एक है, दैट दैट भी हमारा सेम है, सिंगुलर होता है। ठीक है, बट ओनली दिस डिफरेंस दैट ये फार वर्ब के लिए यूज किया जाता है, यानी जो चीज मुझसे दूर हो, जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो डिस्टेंस में हो, उसके लिए हम दैट लगाते हैं। जो हमारे नियर होता है उसके लिए हम दिस लगाते हैं। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया हो। मैंने कहा दिस इज अ टेबल, ये टेबल मेरे पास है, ठीक है, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ पेपर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ रूम, यानी कि ये सारी चीजें क्या है, मेरे पास है, मेरे नियर है, मेरे नियर है। और जो चीज नियर है हम उसके लिए क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस। तो आपको क्या करना है, इसके सेंटेंस को सेंटर आपको मेक करने हैं और सेंड करने हैं, जिससे ये क्लियर हो कि आपको दिस का यूज क्लियर समझ में आया और नहीं आया। ठीक है, दैट दैट जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत है। जैसे दैट इज अ बॉटल, दैट इज अ डोर, दैट इज अ विंडो, दैट इज अ स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, एनी थिंग जो भी हमसे दूर है। और मैं इंडिकेट कर रही हूँ, है ना, इंडिकेट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि वो दैट इज, यानी कि वो मुझसे दूर है। अपने हैंड को देखो और आप इंडिकेट कर रहे हो दैट इज अ बोटल, तो बोटल आपके नियर नहीं है। अब मैं क्लियर समझ में आ रहा हूँ, वो बोटल का आपसे डिस्टेंस में है, यानी आपसे फार है, आपसे दूर है। ठीक है, ये बात आपके क्लियर समझ में आया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स हमसे दूर है, थिंग्स आर फार, तो हमसे दूर है उसके लिए हम दैट लगाएंगे, जो हमारे नियर है उसके लिए दिस लगाएंगे। दिस का प्लूरल होता है दी, दिस का प्लूरल होता है दी, और दैट का प्लूरल होता है दोज, जिसके हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, बोथ के साथ, दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्या पुट करते हैं, आर। जिस तरीके से मैं बोल रही थी दिस इज अ टेबल, वही मैं बोलूंगी दो जार टेबल्स, ठीक है, दो जार पैंस, दो जार गर्ल्स, दो जार बॉय, दो जार पेपर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोज लगा रही हूँ तो वो डिस्टेंस, ठीक है, और दीज लगा रही हूँ तो नियर, दोज डिस्टेंस, दीज नियर, दोज डिस्टेंस एंड दीज नियर। ओके, बट प्लूरल यानी कि मीन मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा, प्लूरल आपको समझ में आया होगा कि मोर देन वन यानी एक से ज्यादा है। आई गिवन सम एग्जांपल, लुक, मैंने कहा दीज आर पेपर्स, अब मैं इसे बोलूंगी कैसे, दीज आर पेपर्स, यानी कि ये पेपर कहाँ है, बिल्कुल मेरे पास में, फिर मैंने लिखा दीज आर टेबल्स, मीन ये टेबल कहाँ है, बिल्कुल मेरे नियर है, टेबल्स कहाँ है, यानी कि कुछ नंबरिंग में ज्यादा है उनको मैं टेबल्स बोल रही हूँ, वो कहाँ है, मेरे बिल्कुल नियर है, तो मैंने क्या लगा दिया, दीज लगा। और जब सब्जेक्ट में करना चाहते हो, अगर ये डिफरेंट है, दो हजार पेपर, तो इसका मतलब क्या है, वो मुझसे डिस्टेंस में, दो हजार पेपर जो मुझसे डिफरेंस में, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस में, जो कि मुझसे फार है, जो कि मुझसे दूर है, ठीक
गया, मैंने कहा 2000 स्टूडेंट, 2000 गर्ल्स, 2000 बॉय, 2000 विमेन, 2000 मेन, यानी कि इसको आपको क्लियर करना है कि दिस अपने आप को लो, दिस यहाँ पर मेरे पास है, मेरे पास, मेरे पास और मेरे पास, ठीक है, नियर, मेरे नियर। और मैंने कहा मैं जस्ट इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए बोलती हूँ, दैट दोज, दैट एंड दोज, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल, दैट सिंगल वन, दीज सिंग, दीज प्लूरल, मोर देन वन, ठीक है, दोज मोर देन वन, दैट सिंगुलर, दिस सिंगुलर, और इनके जो प्लूरल वर्ड होते हैं दिस का दीज और दैट का दोज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड आपको सेंटेंस मेक करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करने हैं, सेंड करने हैं। ओके, समझ में आया, फील करो, फिर सोचो एंड थिंक और देन स्पीक। पहले आप सोचें फिर बोलें, ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको ये दोनों डिफरेंस आपकी समझ में क्लियर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।